हाँ जी, कैसे हो सारे? मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्रक्स। तो रियलमी के X3 स्मार्टफोन के बारे में हम अब तक क्या क्या जानते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं वही सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। लीक्स के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो ये कहाँ कहाँ पर ये स्मार्टफोन लीक हुआ है, इसके प्रोसेसर के बारे में, इसके सीरीज के बारे में, सीरीज एज इन के इसमें कितने स्मार्टफोन होने वाले हैं, कितने मॉडल्स होने वाले हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो कुछ दिन पहले एक फोटो लीक हुई थी ये वाली, तो सब लोग कह रहे थे कि ये जो ओप्पो रेनो की तरह डिज़ाइन है इसका, तो ये शायद रियलमी का X3 सुपर जूम हो सकता है शायद। और काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे बहुत सारे लोग नया डिज़ाइन देख कर के, चलो जो रियलमी है वो पुराना डिज़ाइन छोड़कर नए की तरफ थोड़ा सा चलो जा रहा है ना। लेकिन ये अभी जो है वो फेक निकली है जो फोटो है, ये किसी और फ्यूचर स्मार्टफोन की या प्रोटोटाइप वगैरह की हो सकती है, लेकिन ये X3 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। दूसरी बात ये कि जो रियलमी X3 की सीरीज आएगी वो रियलमी के पुराने डिज़ाइन की तरह ही आएगी, जो पहले स्मार्टफोन में पुरानी डिज़ाइन कन्फिग्रेशन होती थी उसी की तरह आएगी। तीसरी बात इसकी ये कि ये जो स्मार्टफोन है वो VIS सर्टिफिकेशन के ऊपर, NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर, ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो लिस्ट हुआ है, और जिसका ये मतलब है कि इसका लॉन्च काफ़ी पास है। और काफ़ी सारी लीक्स और भी आई हैं, जैसे कि इसमें 6000 mAh की बैटरी होने वाली है, और अभी आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस दिन रियलमी की नार्सो सीरीज़ का लॉन्च है, और अगर उनमें से किसी स्मार्टफोन के ऊपर 6000 mAh की बैटरी नहीं आई तो इसका मतलब ये ही है पक्का कि रियलमी X3 का कोई स्मार्टफोन होगा जिसमें 6000 mAh की बैटरी हमें देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आपको मैं बताऊं इस स्मार्टफोन की और कुछ स्पेसिफिकेशन, अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बताऊं तो इसमें 3 स्मार्टफोन्स बेसिकली आने वाले हैं, रियलमी X3, रियलमी X3 प्रो और रियलमी X3 सुपर जूम। तो रियलमी X3 जो है वो डायमेंसिटी 800 पे आने वाला है, और जो कि 5G को सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि रियलमी X2 का सक्सेसर होने वाला है। दूसरा स्मार्टफोन आएगा रियलमी X2 प्रो, जिसमें जो है वो कहा जा रहा है कि उसके स्कोर्स कुछ दिन पहले सामने आए थे, और वो जो लीक्सटर्स वगैरह हैं, टिप्सटर्स वगैरह हैं, उन्होंने कंपेयर किए बाकी के प्रोसेसर के साथ, तो उसकी जो कह लो कि स्कोर्स थे वो 855 प्लस से मैच किए, तो कहा जा रहा है कि इसमें 855 प्लस होने वाला है। और अगर बात बताऊँ आपको रियलमी X3 सुपर जूम की, जो कि इस सीरीज का सबसे ज्यादा कह लो कि अपर वर्जन होने वाला है, उसमें हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 865, और उसमें हमें 60x का जो है वो हमें जूम देखने के लिए मिलेगा टेलीफोटो लेंस में, वैसा ही कुछ जैसा मी 10 में हमें देखने के लिए मिला था 50x का जूम, और इसमें हमें मिलेगा 60x का जूम। और कुछ स्टारिंग मोड वगैरह कुछ टेक्नोलॉजी आएगी स्मार्टफोन में, जिससे आप जो स्काई की फोटोज वगैरह जूम करके अच्छे से खींच पाएंगे, उसकी कंफर्मेशन जो है वो माधव सेठ ने अपने ट्विटर के ऊपर दी थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है, और 3 स्मार्टफोन इसमें होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग तो यही सब लग रहा है, और सर्टिफिकेशन साइट्स पर जो ये स्मार्टफोन लिस्ट हुआ था तो उससे भी यही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह, मॉडल नंबर्स वगैरह सामने आए हैं, तो उनसे यही पता चला है कि कैसा ये स्मार्टफोन, कितने स्मार्टफोन, 3 स्मार्टफोन होने वाले हैं, रियलमी X3, रियलमी X3 सुपर जूम, रियलमी X3 प्रो। और डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल वैसी ही होने वाली है जैसे रियलमी के पुराने स्मार्टफोन्स थे। अभी मुझे तो लगता है कि ये सीरीज़ जो है वो शायद Xiaomi की Mi 10 सीरीज़ को जो है वो कम्पीट करने के लिए आ रही है, और अगर उसको कम्पीट करने के लिए आएगी तो इसका प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ 40,000 से 45,000 के आसपास, क्योंकि वो 50,000 के आसपास Mi 10 की सीरीज़ लॉन्च हुई है और लोगों को उसकी प्राइस रेंज जो है वो पसंद नहीं आई, तो इसलिए ये जो Realme की X3 सीरीज़ आएगी ये शायद जो सुपर जूम वाला जो बड़ा सबसे मॉडल होगा तो उसकी शायद 40,000 से 45,000 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस, और अलग अलग मेरे ख्याल से प्राइस रेंज होगी। जो रियलमी X3 होगा वो रियलमी X2 के आसपास प्राइस आएगी उसकी, फिर उसके बाद जो 20,000 से 30,000 की रेंज है उसमें शायद आएगा ये X3 प्रो वगैरह, तो बाकी देखते हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी, सिर्फ इसकी जो कह लो कि 1-2-4 फोटोज सामने आई हैं, थोड़े से लीक्स सामने आए जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं और बता दिए हैं। तो आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन, तो आप क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन के बारे में, आप क्या सोचते हो कि कैसा ये स्मार्टफोन निकल कर आएगा, आप रियलमी के फैन हो या रेडमी के फैन हो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो आप। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो ये कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, हमें और भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।